इस सीरीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहता हूँ पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस सीरीज के लिए जो आपको ध्यान में रखनी है सिर्फ और सिर्फ एक जी, एक नंबर पे फोकस करिए वो है ग्यारह नंबर ग्यारह वन वन लिफाफा महीना इसलिए ग्यारहवा महीना है और एफ आई की इंडेक्स लॉन्ग पोजिशन ग्यारह परसेंट के साथ पिछले कई सीरीज की सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है मैं इसके दम पर यह उम्मीद कर रहा हूं कि इस सीरीज में एफ की इंडेक्स में लॉन्ग पोजिशन में बढ़ोतरी होगी और क्यों होगी उसके मैं कारण में आपको बताता हूं। इसके पहले की दो सीरीज में आपको बताता हूँ अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2023 पहले अप्रैल 2023 में जाइए अप्रैल 2023 हजार ने नई सीरीज की शुरुआत अप्रैल सीरीज की शुरुआत इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे की थी 9 परसेंट पे कितनी

एक डेटा और देना चाहता हूं भले इतना मजबूत नहीं है लेकिन फिर भी काम का है मार्च 2023 वाली इस महीने वहां एफआईस की इंडेक्स लॉन्ग पोजिशन उन्नीस परसेंट के साथ की थी तब निफ्टी आपका 430 पॉइंट घटा था बैंक निफ्टी सिर्फ 90 पॉइंट सो इसका मतलब क्या है घटने के लिए आपके पास जगह बहुत कम है बढ़ने के लिए स्कॉप है नवम्बर सीरीज जिस लेवल के इंडेक्स लॉन्ग पोजिशन पे आप जा रहे हैं ये ये सबसे बड़ा इस सीरीज का एक ही नंबर है ग्यारह नंबर याद रखिएगा ग्यारह नंबर स्वागत पिक्चर देखिए आपने अमिताभ बच्चन शशि कपूर की नहीं अच्छा उसमें छह नंबर और नौ नंबर का बड़ा महत्व अच्छा देखिएगा देखूंगा एड करना तो जैसे वो नौ नंबर का इम्पोर्टेंस अमिताभ की चप्पल का नंबर नौ होता है अच्छा तो वैसे यहाँ ग्यारह नंबर उससे आपको याद रहेगा पूरी सीरीज क्योंकि नवंबर में तक याद रखवाना है ना नंबर याद रखने के लिए कोई तो एक लॉजिक चाहिए ना तो ग्यारह नंबर आप याद रखिए ग्यारह की लॉन्ग पोजिशन पे हम जा रहे हैं जो बहुत अंडरवेट है लिहाज से और इस लिहाज से एफ के लिए बेचने की जगह कम है हाँ स्टॉक्स बेच सकते हैं स बेच सकते हैं लेकिन इंडेक्स में आपके लिए उस लिहाज से रिस्क थोड़ी कम हो जाती है सबसे इंपॉर्टेंट नंबर इस सीरीज का यही है इस लिहाज से नई सीरीज की शुरुआत आप बेहद हल्की पोजीशन के साथ कर रहे हैं एफ एस की पोजिशन के। आ, निफ्टी में अठारह हजार इस सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और आ, न, जो आ, ये, ये मैं आपका आगे डेटा हिस्टोरिकली नवंबर की सीरीज आम तौर पर न्यूट्रल रहती है okay. न बड़ी तेजी होती है न बड़ी मंदी होती है कैसे hmm. पिछले दस सीरीज में नवंबर वाली सीरीज में दस में से पांच नवंबर पॉजिटिव और पांच नवंबर नेगेटिव है hmm. निफ्टी पे इवन <laughs> बैंक निफ्टी पे hmm. छह पॉजिटिव है और चार नेगेटिव है सो so, इसका मतलब क्लियर कट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से नवंबर की सीरीज आपकी न्यूट्रल रहती है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव तो डायरेक्शन कॉल आपको वैसे नहीं लेना चाहिए तो फिर पॉजिटिव साइड पर डायरेक्शन कॉल लेने की वजह क्या हो सकती है वजह सिर्फ एक हो सकती है कि ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट होकर नीचे आ चुके हैं इंडेक्स लॉन्ग पोजिशन पर आप निचले स्तरों पर कर रहे हैं तो एक चीज तो पक्की है इमीडिएटली आप बढ़े ना बढ़े और मैं चाहता भी नहीं हूँ लोअर लेवल पर अगर आप इस सीरीज में देखें तो वो एक मौका आपको थोड़ा बहुत खरीदारी का दे सकता है इस सीरीज में इंपोर्टेंट चीज एक और भी है हमारे असेंबली इलेक्शन भी हैं yes. जो सीरीज के रहेंगे और उसके बाद दिसंबर की दिसंबर की शुरुआत में आएंगे काफी कुछ एक्शन लोकल फ्रंट पर भी है इसलिए क्लियरली बाकी चीजों का अंदाज लगाना आपके लिए मुश्किल काम है लेकिन एक चीज जो आपके सामने डेटा है ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत हल्के नोट पर एफ इंडेक्स लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो कि पॉजिटिव है इस मार्केट के लिए इस सीरीज के लिए ठीक है सर अंडरस्टूड। चलिए तो ये एक अच्छा संकेत आपके लिए आ रहा है बाजार में जहां पर रखनी है आपको नजर